हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बबली और उसकी सहेली मीना के साथ ब्याज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। चलो बबली, खेलने चलते हैं। नहीं मीना, मुझे पापा की मदद करनी है। पापा किताबों का नया काम शुरू कर रहे हैं ना, इसीलिए। अरे वाह बबली, फिर तो हम भी तुम्हारे पापा की ही दुकान से किताबें खरीद सकते हैं। क्यों नहीं मीना, जरूर। पता है, कल मेरे पापा भी कह रहे थे कि वे मोमबत्तियों का काम शुरू करने वाले हैं, पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। अच्छा, पता है मेरे पापा ने भी कर्ज लिया है। बबली, क्या तुम्हें पता है कि कर्ज लेने पर हमें बैंक को बहुत सारा ब्याज चुकाना पड़ता है? मेरे पापा ने 25,000 रुपए का कर्ज लिया है और उन्हें ब्याज में 27,500 रुपए चुकाने होंगे। पर मेरे पापा को तो इतना ब्याज नहीं चुकाना है, फिर तुम्हारे पापा को क्यों? चलो चलकर पापा से पूछते हैं। पापा, मीना के पापा ने 25,000 रुपए का कर्ज लिया है, तो उन्हें 27,500 रुपए का ब्याज क्यों चुकाना है? नहीं बेटा, 27,500 ब्याज नहीं चुकाना है। 27,500 तो कुल राशि है जो उन्हें मूल समेत चुकानी है। क्या मतलब अंकल? देखो, तुम्हारे पापा ने 25,000 रुपयों का कर्ज लिया और उन्हें बैंक को 27,500 रुपए लौटाने हैं, तो उस 27,500 में से 25,000 तो मूलधन है जो उन्होंने कर्ज लिया था, तो ब्याज कितना हुआ? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। सत्ताईस हजार पाँच सौ घटाव 25,000 बराबर 2,500। इसका मतलब ब्याज तो सिर्फ 2,500 ही हुआ ना, क्योंकि कुल बकाया राशि होती है मूलधन जमा ब्याज। अच्छा अंकल, मैं तो सोच रही थी कि बैंक हमसे मूलधन से भी ज्यादा ब्याज लेता है। पर पापा, आपके कर्ज पर 4,800 रुपए का ब्याज और उनके कर्ज पर 2,500 रुपए का ही ब्याज क्यों? हम बैंक को ज्यादा ब्याज क्यों दें? क्योंकि बेटा, अलग अलग रकम पर अलग अलग ब्याज होता है। जो जितना कर्ज लेता है उसे उसी के हिसाब से ब्याज चुकाना होता है। कम रकम के लिए कम ब्याज और ज्यादा रकम के लिए ज्यादा ब्याज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बबली और उसकी सहेली मीना के साथ जाना कि कैसे हम मूलधन और ब्याज को जोड़कर कुल बकाया राशि निकाल सकते हैं और अलग अलग रकम पर अलग अलग ब्याज होता है। धन्यवाद।